वेलकम टू बिदर। बिदर से ये पहला वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ ट्रैवल टॉकीज पे सिद्धार्थ परी। और ये रही हमारी आज की सवारी, यहाँ पे रुकी हुई है एक्टिवा, तो इसी पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर हूँ, बहामनी टॉम देखने के लिए आया हूँ। अभी मेरे साथ है शिदराई साहब। मैं रात को इन्हीं के घर पे रुका था तो इन्होंने मेरे को होस्ट किया, ऐसा समझ लीजिए। सुबह सुबह मछली वाला खाना भी खा के आए हो इनके साथ में। तो गाड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई वो इन्हीं की है। तो अभी हम बहामनी टॉम देखने के लिए आए। ये लोकेशन के बारे में मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था, इन्होंने मेरे को यहाँ पे लेके आए। तो चलिए आपको टॉम्स दिखा देता हूँ। ये मेन गेट है, अंदर एक सिक्योरिटी वाला भी होता है। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करते हो तो आपके पास बड़ा कैमरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बड़ा कैमरा होगा तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। तो मेरा छोटा कैमरा है, छोटा लेंस है, वही लेके आना है। मेरे ऊपर से फाइटर प्लेन गुजर रहा है, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। और ठीक मेरे पीछे है टॉम्स। तो चलिए आपको दीदार करवा देता हूँ टॉम्स। यहाँ पर एंट्री फीस तो नहीं है, फ्री है कम्प्लीटली, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रहता है यहाँ पे जो टॉम्स की देखभाल कर रहा है। तो आप उनसे कुछ जानकारी चाहिए तो ले सकते हो। वैसे वो गाइड नहीं है यहाँ के, सिर्फ आपको ओरली बता देंगे ये है वो है बोल के, और वो कैमरे पे नहीं आएंगे। तो चलिए टॉम्स देखते हैं अभी। ये वाला टॉम कितना बड़ा है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, और आपको ऐसे कैमरे से अंदाज़ा भी नहीं आएगा। अभी ये टॉम को देखिए और ये सर को देखिए, हाइट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा है। इस तरह से यहाँ पर किले का, किला नहीं, ये टॉम का बाउंड्री है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं देखने के लिए टॉम, यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। ये बहुत गंद मचा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, इसको ऐसे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ देखता हूँ। तो टॉम्ब ऑफ अहमद शाह अल वाली बहामनी। तो चलिए टॉम में प्रवेश करते हैं। अभी आप इको सुन सकते हो कैसा आवाज आ रहा है। इस पर पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हो आप, कलर्स दिख रहे थोड़े बहुत। सीलिंग भी बेहतर है, अगर यहाँ पे लाइट होती तो बहुत अच्छा लगता। अभी रिनोवेशन चल रहा है इसका शायद। बाहर से जितना ऊंचा ये टॉम दिखता था, अंदर से और भी ऊंचा लग रहा है मेरे को।
अंधेरा होने की वजह से थोड़ा सा फोकसिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो टॉम्ब है दूसरे कॉर्नर में, और यहाँ से ये पहला टॉम्ब है, और यहाँ पर कुछ ऐसा वाला लोकेशन है, और यहाँ से खेत दिख रहा है मेरे को, एक गेट है, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हो। तो ये पूरा ऐसी तटबंदी बनाई गई है कॉर्नर से, ये पैरेट से देखो। ये है टॉम्ब ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन शाह। ये टॉम्ब के बाद हम ये टॉम्ब देखने के लिए आए हैं। नीचे टेक्स्ट में मैंने नाम दिया है। यहाँ पर जो ब्लू ब्लू पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये टाइल्स के जैसा पेंटिंग वगैरह किया है, निकल चुके हैं अभी। तो ये वाले टॉम्ब आपको कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है टॉम्ब ऑफ सुल्तान हुमायूं। तो आपको ये वाला लोकेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हेलो, आई लव माय इंडिया। टॉम्स पे सभी जगह मेरे को नाम ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है आज। तो ये वाला लोकेशन टॉम के पिछले साइड में। यहाँ पर मेंटेनेंस भी अच्छा रखा गया है, ज़्यादा कचरा वगैरह कुछ नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि इस पे स्टॉम्प पे बिजली गिरी हुई थी, इसलिए वो टूट गया ऊपर से। तो ये वीडियो अभी मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। इनक्रेडिबल फोटोग्राफी से फोटोग्राफी की सर्विसेज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।